हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 6 फ्रॉम रेलवे कैरिज का क्वेश्चन आंसर में राइटिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड प्रोवर्ब जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर दुरुजी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 लेसन 6 फ्रॉम रेलवे कैरिज का जो बचा हुआ क्वेश्चन आंसर है उसको बनाना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला दिया है देखो राइटिंग लेखन, और इसका एक क्वेश्चन का पॉइंट 1 दिया है, सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो शोइंग हाउ पीपल ट्रेवल, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट वेदर यू लाइक डिसलाइक ट्रेवलिंग बाय द मीन्स ऑफ ट्रेवल गिवन बेलो। अर्थात कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं जिसमें दिखाया गया है कि लोग कैसे यात्रा करते हैं। चित्रों को देखें और नीचे दिए गए यात्रा के साधनों से यात्रा करना पसंद है या ना पसंद है, लाइक या डिसलाइक हमें करना है। तो देखिए पहला चित्र दिया गया है रेलगाड़ी वाला, तो इसका आंसर बन जाएगा I like to travel by train. It is always a great experience. अर्थात मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना पसंद है, यह हमेशा एक अच्छा अनुभव होता है। यह हो जाएगा। एंड सेकंड दिया देखो ब्लॉक कॉट बैलगाड़ी, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा I like to travel by ब्लॉक कॉट because it moves slowly and safely. अर्थात मुझे बैलगाड़ी से यात्रा करना पसंद है, यह धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से चलता है। तो इस तरह से बना लेंगे। और तीसरा चित्र दिया गया है देखिए बस का, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, आपको पसंद है तो पसंद लिखना, मैं इसमें डिसलाइक कर रहा हूँ वैसा वाला सेंटेंस बना रहा हूँ। तो बन जाएगा ये आई डू नॉट लाइक टू ट्रेवल बाई बस बिकॉज आई कैन नॉट स्मेल ऑफ डीजल एंड ओमिट। अर्थात मुझे बस में यात्रा करना पसंद नहीं है क्योंकि मैं उल्टी और डीजल की गंध को सहन नहीं कर सकता, डीजल का गंध उसको अच्छा नहीं लगता है, अर्थात मुझे अच्छा नहीं लगता है जो सेंटेंस बना रहा है उसके लिए, है ना, और उल्टी भी लगती है। तो इस तरह से लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। और फुल क्वेश्चन आंसर वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाते हुए ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको बीच बीच में सूचना प्राप्त हो कि इस चैनल पर नया वीडियो डल चुका है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब राइटिंग का क्वेश्चन 2 ए का 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द प्रिपरेशन You have made for your picnic trip to चित्रकूट waterfall. अर्थात चित्रकूट जलप्रपात की पिकनिक यात्रा के वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो अपने मित्र को क्या लिखना है, पत्र लिखना है और पिकनिक जा रहे हो उसका वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा, तो सबसे ऊपर में टॉप में लिख लेना अपना पता, जैसे मैं डेमो दे रहा हूँ उदाहरण है ना, शिक्षक नगर लिख लेंगे, उसके बाद शिक्षक नगर रायपुर, ठीक है, उसके जस्ट नीचे डेट लिख देंगे जिस तारीख को आप लिख रहे हो उस तारीख को। तो उदाहरण के तौर पर हम इसको लिखते हैं 6/8/2022, ठीक है, ये हो गया। राइट साइड लिखना है टॉप में, है ना, एंड लेफ्ट साइड आ जाना उसमें लिख देना डियर मोहन, क्योंकि मोहन को पत्र लिख रहे हैं आप, ठीक। फिर जस्ट नीचे वाले लाइन में लिखेंगे थोड़ा आगे बढ़ के आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड हैप्पी, आई एम ऑल्सो कीपिंग वेरी वेल हियर। तो क्या हो जाएगा, मुझे आशा है कि आप ठीक और खुश होंगे, मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से लिख देंगे, है ना। उसके बाद आगे लिखेंगे द बेस्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज अ पिकनिक ट्रिप,
चित्रकूट फॉल्स ऑन विच वी आर गोइंग नेक्स्ट वीक। अवर स्कूल हैज प्लान्ड दिस ट्रिप। अर्थात सबसे अच्छी बात जो होने वाली है वह है कि एक पिकनिक ट्रिप चित्रकूट झरना अर्थात जलप्रपात जिस पर हम अगले सप्ताह जा रहे हैं, हमारे स्कूल ने यह योजना बनाई है। इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे वी आर मेकिंग स्पेशल अरेंजमेंट फॉर गोइंग देयर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ जाने के लिए खास इंतजाम कर रहे हैं। जाने के लिए क्या कर रहे हैं, खास इंतजाम कर रहे हैं। वी हैव डिस्कस्ड एमंग फ्रेंड्स अबाउट टेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम। अर्थात हमने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को लेने जाने की चर्चा की है, ले जाने की चर्चा की है। और क्या है उसके बाद, वी हैव ऑल्सो प्लान टू टेक बाथ देयर। और हमने वहाँ पर है ना नहाने की योजना बनाई है। क्या बनाई है, नहाने की योजना भी बनाई है। अब उसके बाद आगे लिखते जाएंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, द टीचर्स हैव मेड अरेंजमेंट फॉर सम गेम एस वेल एस फॉर एड। शिक्षकों ने कुछ खेल के साथ साथ सहायता के लिए भी व्यवस्था की है। खेल होगा, टीचर सहायता करेंगे, ऐसा व्यवस्था की है। ठीक, उसके बाद आगे, आई प्रे टू गॉड दैट मे आवर पिकनिक बी मोस्ट प्लेजेंट एंड सेफ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी पिकनिक सबसे सुखद और सुरक्षित हो। तो इस तरह से लिखते जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखना, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके, आई विल राइट यू अगेन आफ्टर द ट्रिप। मैं यात्रा के बाद आपको फिर से लिखूँगा। उसके बाद लिख देना बाय, ऐसा कह के राइट साइड लिखना है पत्र लिखने वाले का नाम, जैसे योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त जॉन। तो इस तरह से बनाओगे तो ये बन जाएगा राइटिंग ए पॉइंट टू का आंसर। चलो अब देखते हैं राइटिंग का क्वेश्चन बी को। इसमें दिया गया है डिस्क्राइब थ्री स्मॉल प्लांट, अर्थात वर्णन करना है तीन छोटे पौधों के बारे में यू फाइंड इन योर बस्ती। तो आप अपनी बस्ती में पाते हैं, विलेज, स्ट्रीट, टाउन, ये सब दिया गया है ना, यूजिंग द टेबल गिवन। तो टेबल का इस्तेमाल करते हुए अर्थात नीचे दी गई तालिका का प्रयोग करते हुए अपनी बस्ती, गांव, गली, कस्बे में पाई जाने वाली तीन छोटे पौधों का वर्णन करें। पेड़ का नहीं करना है, नीम, पीपल, ऐसा कह के है ना, पौधा होना चाहिए, वो भी कौन सा, स्मॉल प्लांट्स होना चाहिए। ठीक है, तालिका दिखाई दे रहा है आपको, नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर तीन प्लांट का नाम लिख देता हूँ, जैसे रोज, मैरीगोल्ड एंड तुलसी। ठीक है, बेसिल भी बोलते हैं तुलसी को। तो तुलसी ये हो गया। हाइट, ऊंचाई क्या क्या है वो लिखना है। अपीयरेंस दिया है, रूप दिया है ना, तो हाइट देखते हैं। देखिए सेकंड कॉलम है हाइट, तो देखिए रोज़ का हो जाएगा 1 से लेके 5 फीट तक यह उपलब्ध रहता है, मिलती है। और मैरीगोल्ड, गेंदा, तो ये 2 फीट से 6 फीट के बीच में है, तो ये पॉइंट कर लेंगे। एंड तुलसी जो है 3 फीट तक होती है। अब देखिए शेप ऑफ लीफ दिया है, पत्ती का आकार, तो पहले में लिख देंगे बीटल हो जाएगा, किस में, रोज में, और मैरीगोल्ड में हो जाएगा लीव्स आर एंड स्पैटुला, लीव्स आर ब्रॉड एंड स्पैटुला, ये हो जाएगा। और जो आपका तुलसी है वो ओवल शेप हो जाएगा। ठीक, कलर ऑफ लीफ दिया है, 4 नंबर का कॉलम है, उसमें कौन से कलर का होता है, तो सभी जो है ग्रीन कलर के होते हैं पत्ते, है ना। तो रोज़ में ग्रीन, मैरीगोल्ड में ग्रीन, एंड तुलसी में क्या लिख लेंगे, डार्क ग्रीन।
ठीक है। तो तुलसी हरे कलर वाला और एक नीले कलर वाला भी रहता है जिसको श्याम तुलसी बोलते हैं। अब देखो फ्लावर, तो फ्लावर के बारे में लिखना है कौन सा कलर है। तो फ्लावर सभी में होता है, यस यस भी कर सकते हैं। और उसके पश्चात लिख देंगे रोज़ का फूल कौन कौन से होते हैं। तो रोज़ फूल होता है रेड पिंक एंड येलो, इस कलर का उपलब्ध रहता है हमारे गांव में। तो अपने गांव के हिसाब से लिखना है इसको, ठीक है। मेरी गोल्ड जो है रेड होता है, येलो होता है एंड ऑरेंज होता है, ये तीन प्रकार के मिलते हैं। अब तुलसी आ जा, और तुलसी में जो फ्लावर है रहता है तो इसका कलर क्या लिख देंगे, डार्क ग्रीन कलर का रहता है, थोड़ा वाइट लिए तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम दिया है, देखिए पार्ट ऑफ द प्लांट यूज, जो पौधे के भाग हैं कौन कौन से भाग हैं जो यूज होते हैं, ठीक है, कौन से भाग हैं जो यूज होते हैं। तो रोज में होता है फ्लावर का, ठीक है, और मैरीगोल्ड में क्या लिख लेंगे, फ्लावर एंड लीव्स दोनों का यूज होता है, किसका किसका, फ्लावर एंड लीव्स का, आगे पता चलेगा लीव्स का कैसे है, है ना। एंड जो तुलसी है फ्लावर एंड लीव्स, और जो उसका तना है उसका भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्टेम जो है उसका भी इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं यूज्ड फॉर, और किस लिए उपयोग करते हैं। तो रोज़ का तो होता है सेलिब्रेशन के लिए, टेम्पल में नहीं होता, लेकिन बर्थडे में होता है, बुके बनाते हैं उसका। तो यहाँ पर लिख देंगे बर्थडे एंड सेलिब्रेशन, दो हो गया। मेरी गोल्ड का क्या बनता है, गार्लैंड माला बनता है, ठीक है। और क्या होता है, टेम्पल में यूज़ होता है, किसके तौर पर, पूजा करने के लिए, और मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके पत्तों का, फूलों का। और तुलसी, तो ये तो पूरा मेडिकल प्लांट है तुलसी जो है ना, तो इसका मेडिकल प्लांट में होता है, और उसके पत्तों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, पूजा में, है ना, किस में होता है, पूजा में। तो इसमें लिख देंगे हम लोग मेडिसिन एंड टेम्पल में यूज़ होता है, और माला का भी यूज़ होता है, तो माला अर्थात गार्लैंड का भी यूज़ होता है गार्लैंड के तौर पर। तो इस तरह से बनाओगे तो बन जाएगा आपका राइटिंग बी का आंसर। चलो अब देखते हैं एक्टिविटी का क्वेश्चन ए, इसमें दिया गया है लिसन टू द पैसेज, अर्थात गद्यांश को केयरफुली, लिसन टू द पैसेज केयरफुली, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और उसके बाद दिया गया है शीला कैम अक्रॉस थिंग्स प्लेस ऑन हर वे, ऑर्डर द पिक्चर्स एज दे ऑकर इन द पैसेज, अर्थात गद्यांश को सुने और ध्यान गद्यांश को ध्यान से सुने, ये बताया हूँ अभी। शीला को रास्ते में चीजें स्थान मिले, चित्रों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जैसा वे गद्यांश में आते हैं। तो शीला जा रही है ना, पढ़ेंगे कौन सा, अपेंडिक्स वन लेसन सिक्स को देखना है, तब यह क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो हम गद्यांश को, गद्यांश में चले जाते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद जो चित्र है उसको क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे कि कौन पहले आया, तो ये हमें करना है। तो ये आपका एक्टिविटी है। तो चले जाते हैं अब हम कहाँ पर, बुक के पीछे तरफ अपेंडिक्स वन में लेसन सिक्स को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपेंडिक्स में क्या दिया गया है, शीला इज गोइंग टू हर ग्रैंडमदर्स हाउस विथ हर मदर इन अ ट्रेन, अर्थात एक रेलगाड़ी से शीला ट्रेन में अपनी माँ के साथ अपने दादी माँ के घर, अर्थात ग्रैंड पेरेंट दादा दादी के घर जा रही थी। तो ट्रेन में जो है शीला अपनी मम्मी के साथ कहाँ जा रही थी, अपनी दादा दादी के घर जा रही थी। उसके बाद क्या है, ऑन हर वे रास्ते में शी क्रॉस्ड मैनी प्लेसेस, रास्ते में उसने कई जगहों को पार किया, कई जगहों को क्या किया, पार किया।
फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले, सी सा उसने देखा, क्या देखा, अ ट्रेन, एक ट्रेन देखा, एंड देन ही सा मैनी फार्म्स, ट्रेन देख लिया और उसके बाद क्या देखा, बहुत सारे खेत देखे, फिर उसने कई खेत देखे, ठीक है। एज द ट्रेन मूव्ड फर्दर सी सा अ स्मॉल विलेज, अर्थात जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी उसे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, है ना, एंड मैनी काउस और बहुत सारे गाय दिखाई दिए, एंड बफेलोस और भैंस दिखाई दी, है ना। देन फिर केम अ पॉन्ड और एक पोखर आया, विथ मैनी डक्स और उसमें क्या थे, बहुत सारे डक थे, तो कई बतकों वाला एक तालाब आया। सी सा चिल्ड्रेन प्लेइंग एंड सम वुमेन कैरिंग वाटर, अर्थात उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और कुछ औरतें पानी ले जा रही हैं, ये सब देखा। तो इसके अनुसार से हम वहाँ जो चित्र है उसको नंबर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद, सी सा अ स्कूल एंड अ स्मॉल ब्रिज, उसके बाद एक स्कूल और एक छोटा सा पुल देखा, ये हो गया। एंड आफ्टर दैट दे केम अक्रॉस अ ग्रोव ऑफ मैंगो ट्री, और उसके बाद उन्हें आम के पेड़ों का एक बाग मिला, आम के वृक्षों का झुंड मिला, ग्रोव मिला, अर्थात बाग मिला उसको। उसके बाद एंड बिफोर दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन सी सा अ बाजार, अब बाजार देखा, मार्केट देखा, जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो इसके इससे पहले कि वे रेलवे स्टेशन पहुंचे उसने एक बाजार देखा। तो जब नंबर देंगे ना तो रेलवे स्टेशन को बाद में देना है, बाजार को पहले, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका, एक्सप्लेन हो गया। अभी हम अपेंडिक्स वन लेसन सिक्स को पढ़े, उसके आधार पर ये जो चित्र है उसको हमें नंबरिंग करना है। तो पहला वाला चित्र दिखाई दे रहा है ना, तो पहले नंबर में चित्र जितना भी दिखाई दे रहा है उसमें पहला नंबर में हम लोग रेलगाड़ी दिख रहा है उसको पहला नंबर दे देंगे, और दूसरे नंबर दे देंगे हम को जो खेत दिखाई दे रहा है उसको, ठीक। अब तीसरे नंबर में जो घर है, घर दिखाई दे रहा है ना, उसको दे देंगे, और चौथे नंबर में जो बैल है या गाय है दिखाई दे रहा है उसको दे देंगे चार नंबर, और पांच नंबर दे देंगे हम लोग जो डक है, बत्तख है, तैर रही है उसको दे देंगे, और सिक्स नंबर पर कुछ बच्चे जो है खेल रहे हैं उसको देंगे, सातवें नंबर में महिलाएं पानी भरने जा रही है उसको देंगे, और आठवें नंबर का जो स्कूल दिखाई दे रहा है उसको दे देंगे, और नौवें नंबर में हम लोग ले लेंगे एक पुल दिखाई दे रहा है वह आ जाएगा, और दसवें नंबर पर अर्थात टेन नंबर का आ जाएगा जो पेड़ का झुंड है, आम का पेड़ का झुंड है वह आ जाएगा, और ग्यारहवें नंबर में जो आपका मार्केट दिखाई दे रहा है उसको दे देंगे, और लास्ट में आप लोग देंगे रेलवे स्टेशन को, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा आपका एक्टिविटी, क्वेश्चन वन का आंसर बन जाएगा। अब देखिए एक्टिविटी का क्वेश्चन टू दिया गया है, रोल प्ले पेयर वर्क, अर्थात रोल प्ले करना है, नाटक अभिनय करना है और जोड़ी में करना है ना। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, स्टूडेंट ए विल आस्क इन्फॉर्मेशन, अर्थात छात्र ए जानकारी पूछेगा, एंड बी विल आंसर और बी जवाब देगा। आगे दिया है स्टूडेंट्स कैन एक्सचेंज रोल, और जो छात्र है अपनी भूमिका को, रोल को आदान प्रदान कर सकता है, अदल बदल कर सकता है। यहाँ पर देखो यूज द क्लू का प्रयोग करें, जैसे दिया गया है वेयर व्हेन हाउ व्हिच व्हाई व्हाट, अर्थात कहाँ कब कैसे कौन सा क्यों क्या, ये दिया है। एग्जाम्पल दे दिया गया है, इस एग्जाम्पल के अनुसार से आप स्वयं बना सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट ए है, तो स्टूडेंट ए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, मे आई नो वेयर यू कम फ्रॉम,
क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से आते हैं, है ना, आप कहाँ से आ रहे हैं या कहाँ से आते हैं, ऐसा पूछना है। तो बी स्टूडेंट रोल प्ले करके आंसर देगा, ओह यस आई एम फ्रॉम बिलासपुर, ओह हाँ मैं बिलासपुर से हूँ, इस तरह से अपना बताएगा। वेयर का इस्तेमाल हो गया, वेन का इस्तेमाल करते हैं, और दो स्टूडेंट उसको क्या करेंगे, एक प्रश्न पूछेगा और दूसरा उसका आंसर देगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा अगला, वह जानते हैं तो हो जाएगा, मे आई नो वेन डिड यू कम, क्या मैं जान सकता हूँ आप कब आए, इस तरह से प्रश्न करेगा। फिर आंसर क्या देना है, ओह यस आई कम इन द मॉर्निंग, ओह हाँ मैं सुबह आता हूँ, है ना, कब आए तो सुबह आए या सुबह आता हूँ, ऐसा आंसर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट जो वर्ड है उसका इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस बनाते हैं। तो पूछेगा ए, मे आई नो हाउ डिड यू रीच हियर, तो हाउ का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, है ना, अर्थात क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ कैसे पहुँचे, रीच पहुँचना कैसे पहुँचे, तब वो आंसर करेगा, आंसर देगा, ठीक है। ओ यस आई रीच्ड हियर बाई ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा से आए, ओह हाँ मैं यहाँ ऑटो रिक्शा से पहुँचा या आया, तो इस तरह से है। एक और लेते हैं, वाई का इस्तेमाल करते हैं, तो यह बन जाएगा, मे आई नो वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, अर्थात क्या हो जाएगा ये, क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ क्यों खड़े हैं, ऐसा, ठीक है। फिर वो आंसर करेगा, ओह यस आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, ओह हाँ मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, इस तरह से बोलेगा। एंड और लिखेंगे, मे आई नो व्हाट डू यू वांट, क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या चाहिए, तो बी स्टूडेंट आंसर देगा, है ना, कि ओह यस आई वांट सम चॉकलेट, ओह हाँ मुझे कुछ चॉकलेट चाहिए। तो इस तरह से दो स्टूडेंट आपस में वार्तालाप करते जाएंगे। चलो अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट है, इसमें दिया गया मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड डिस्क्राइबिंग प्लेसेस, अर्थात स्थानों का वर्णन करने वाले शब्दों की सूची बनाइए जो स्थान का क्या करेगा, वर्णन करेगा, ऐसा हमें सूची बनाना है, ठीक है। तो देखिए जो सामान्यतः जो है वर्णन करने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, अब हमें बनाना है स्थानों का वर्णन करने वाले, तो बन जाएगा पहला बनाते हैं, है ना, आप लोग भी बना सकते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लेस बोलते हैं नहीं, तो कोई भी स्थान का क्या करेगा, विशेषता बताएगा, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, विशाल कम्पैक्ट हो जाएगा, छोटा सा प्लेस है, कम्पैक्ट डिस्क बोलते नहीं, और ये कम्पैक्ट है, वह हो जाएगा फेमस, लवली, पीसफुल, पॉपुलर, तो बिग, तो ये सब है स्थानों का वर्णन करने वाले शब्द। तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट कार्य, जो 5 नंबर का आता है, ठीक है, 5 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। तो नेक्स्ट देखिए, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, प्रोवर्ब दिखाई दे रहा है, यूज द फॉलोइंग प्रोवर्ब इन योर सेंटेंस, मीनिंग इज गिवन, है ना, निम्नलिखित कहावत का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, अर्थ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस, अर्थात जो आपके हाथ में एक चिड़िया बैठी हुई है या आप उसे पकड़े हुए हाथ में एक चिड़िया, झाड़ी में दो पक्षी के बराबर होता है, झाड़ी में दो चिड़िया छुपी हुई है और आपके पास एक चिड़िया है तो दोनों बराबर हैं, ऐसा बोल रहा है, अर्थात क्या होगा, उपलब्ध चीज अनुपलब्ध
चीज़ों से अधिक मूल्यवान होती है। जो नहीं मिला है और आपके पास जो भी है, तो जो आपके पास है वह मूल्यवान होता है। अब देखो इस प्रोवर्ब का मीनिंग दिया गया है, समथिंग इन योर हैंड इज वैल्यूएबल देन मोर इन अदर्स हैंड, है ना। अर्थात क्या हो जाएगा, आपके हाथ में जो कुछ भी है वह दूसरे के हाथ से ज़्यादा मूल्यवान है, जो भी बताया हूँ, है ना। अनुपलब्ध चीज़ों से अधिक मूल्यवान होता है जो आपके पास उपलब्ध है वह। तो सेंटेंस बनाते हैं, आंसर इसी का बनेगा, ठीक है। तो जो प्रोवर्ब है उसका यूज़ करते हुए, कहावत का यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाते हैं, तो बन जाएगा एवरी वाइज पर्सन नो दैट अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस, ठीक है। अर्थात हर एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अपने हाथ में एक पक्षी भी होना झाड़ी पर बैठी दो पक्षियों से बेहतर है। यह बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जानता है। तो इस तरह से यह क्या बन जाएगा आपका, इस लेसन का पूरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल लेडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।